नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। भाई कौन कहता है कि एनएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है? तो सच्चाई तो ये है कि एनएस बोर्ड उतना ही वैलिड है जितना सीबीएसई, आईसीएसई, भारत के और तमाम बोर्ड्स। आज की इस वीडियो में दोस्त बात करने वाला हूँ कि क्लास 12 पास आउट होने के बाद, चाहे आप एनएस बोर्ड के अंदर 10th में हो अभी या 12th में हो, ये वीडियो आज आपको जरूर देखना है कि 12th के बाद आपकी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जो आपके डिग्री को एक्सेप्ट करती है और कौन सी नहीं करती है। कौन सी करती है दोस्त, उसके लिस्ट में आपके सामने आज लेकर आ चुका हूँ। इस लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है। इसमें दोस्त सारे नाम दे दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब के सब एनएस की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं। कौन सा एक्सेप्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्त मैं आपको ये नाम दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आंध्र प्रदेश के बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। अब बाकी आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के एपी के अंदर अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है भाई, दोमुख ईटानगर के अंदर, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी फेमस है ये। आसाम के अंदर दोस्तों गुवाहाटी यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, एक्सेप्ट करते हैं ये। बिहार के अंदर पटना यूनिवर्सिटी, आज भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, उसे पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भाई गुरु दोस्तों घासीदास, पता है जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ये एक्सेप्ट तो करते हैं। आप दोस्तों दिल्ली में देख सकते हो, चाहे आप इग्नू से करो या आप मैदान गरी, है ना, जितने आगे, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी मार्कशीट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कही जा रही, तो भाई ऐसा नहीं होता। आप दिल्ली में इग्नू से भी कर सकते हो, साथ ही दोस्तों डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन ओपन से करना चाहते हो तो डीयू की ही एक ब्रांच है भाई, एसयूएल, जिसको सोल कहा जाता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, आप उससे भी कर सकते हो। चाहो दोस्तों आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये भी दोस्त एक स्कूल है जो भी प्लानिंग के आर्किटेक्चर में बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो आप यहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं जो लिस्ट में दिखा रहा हूँ, ये सब के सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूजीसी के अंडर रजिस्टर्ड है। यूजीसी दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है दोस्तों, इसी के तहत ये सारी यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड होती है। चाहे दोस्तों जेएनयू से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। गोवा में दोस्तों गोवा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गुजरात में दोस्त आप गुजरात में भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ उसमें एडमिशन ले सकते हो। मैं सबके आपको एक बार नाम दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्त सारे नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लिस्ट जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो दोस्तों इसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप एक तसल्ली से देख सकते हो कि अच्छा भाई मेरा एडमिशन एनएस से पास होने के बाद यहाँ पे जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें एडमिशन हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी हो जाएगा, झारखंड के अंदर भी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, इन सब के अंदर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अभी जहाँ पे एडमिशन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे। कर्नाटका के अंदर भी भाई कर्नाटका यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, एडमिशन मिल जाता है। एंड बेंगलुरु एडमिशन 100% होता है। केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो केरला के अंदर है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो एमपी के अंदर है, यहाँ पे भी आप सबका एडमिशन होगा, ठीक है दोस्त। एंड महाराष्ट्र काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में कॉलेज वगैरह के अंदर आपका एडमिशन एक्सेप्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। काफ़ी सारे इश्यूज़ के बाद IIT हो गया, IIM हो गया, नीट की हो गए, इन सब के अंदर भी अब एनएस की डिग्री को एक्सेप्ट किया जा रहा है दोस्त। पहले ही बहुत इशू चल रही थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन दोस्त सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, डिसीजन आया था, उसके बाद ही जाकर एनएस की डिग्री को सब जगह वैलिड किया गया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 1999 के अंदर एनएस को भी HRD मिनिस्ट्री के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया था, उन बच्चों के लिए जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं। दूरस्थ मतलब डिस्टेंस मोड, जो रेगुलर ना पढ़ाई करके वो ओपन से अपने एजुकेशन को पूरी करना चाहते हैं। इसमें देखो दोस्तों दो कैटेगरी के लोग हैं, या वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आ गए हों तो एनएस बोर्ड में आ जाएंगे, या जिनके मार्क्स कम आ गए हैं तो भी एनएस बोर्ड के अंदर वो इंप्रूव करवाने के लिए भी आते हैं, जिसमें हम TOSC की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्त इस तरीके से भी, जैसे उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे दोस्त यूनिवर्सिटीज़ एनएस के बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि हम वहाँ पे गए तो उन्होंने ये कहकर माना कर दिया कि एनएस की डिग्री है वैलिड नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे में दोस्त ऐसे कुछ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट सभी जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह वो सब के सब एक्सेप्ट करेंगे। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो आज इसलिए ही एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं आपको दोस्त इसका पहले बता देता हूँ, जो मैन जो इसका फैक्ट्स है जो इस समय चलता आ रहा है दोस्त। इस समय हमारी सोसाइटी की मैंटलिटी बन चुकी है, सिर्फ एनएस वाले बच्चों के लिए नहीं, भारत के जितने भी ओपन स्कूल हैं, चाहे वो सोल ओपन स्कूल लर्निंग, मैंने आपको बताया DU का ब्रांच है ओपन स्कूल लर्निंग, या इग्नू के स्टूडेंट हो या NS के स्टूडेंट हो या जो भी दोस्त ओपन बोर्ड हो, सिर्फ जो ये ओपन वर्ड जो यूज़ हो जाता है ना उन बच्चों के लिए,
तो दोस्त ये सोसाइटी के लिए एक मेंटलिटी बन चुकी है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, उन बच्चों का वैल्यू ही नहीं है। तो वैल्यू गवर्नमेंट या लीगली वैल्यू सब कुछ है, लेकिन एक मेंटलिटी बन चुकी है कि इनकी वैल्यू ही नहीं है। अब मान लो एक बच्चा है, एक किसी कैसे कॉलेज में गया एडमिशन लेने की है, और उस बच्चों को ये कहकर मना कर दिया जाता है कि एनुएस से पढ़कर आए हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जाओ। अब ज़रा ये सोचो आप कि एनुएस बोर्ड को 1989 में एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा ही बनाया गया है, जैसे सीबीएसई ऐसे आईसीएसई है, वैसे एनुएस बोर्ड है। तो ऐसे में वो किस बिहाफ पे एनुएस वाले बच्चों को मना कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेंटलिटी की यहाँ पे दोस्त डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों दोस्त? मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर एक्सेप्ट करने से मना करता है तो एनुएस की डिग्री वैलिड है या नहीं है इसके बजाय नहीं, या इसको लेकर मना नहीं करता हूँ दोस्त, वो मना करता है कि उसके एक मेंटेलिटी बन चुकी है, उसके नज़र में कि ऐसा बन चुका है कि ये अपन के बच्चे हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, ये ऐसा ही हैं, या अनफेयर मीन्स के साथ ये पास होकर आ गए हैं, हटाओ इनको, इनको लेना ही नहीं है। तो दोस्त ये मेंटेलिटी बन चुकी है। आज भी ऐसे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी दोस्त एनुएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, और ये प्रूव करके दिखाते हैं कि एनुएस बोर्ड के बच्चे भी किसी बोर्ड से कम नहीं है, उनके अच्छे खासे परसेंटेज आते हैं। दोस्त आपको मैं आज से नहीं, 9 सालों से गाइड कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि बच्चों को 95-96 परसेंटेज आए। दोस्त अगर आपने एनुएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया, आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, जैसे भी तरीके से आपने एडमिशन लिया, आपने फेयरनेस के साथ अपने एग्ज़ाम्स दिया अपना, और आपको अच्छा से अच्छा परसेंटेज भी, आपको मार्कशीट भी मिला, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। आप जहाँ मर्जी वहाँ एडमिशन ले लो, आप इंडिया में या अब्रॉड में जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। कोई कहते हैं कि इंडियन आर्मी में एनुएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी से लेकर पुलिस में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सब जगह एनुएस बोर्ड वैलिड है, सब जगह एनुएस बोर्ड वैलिड है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि सिर्फ नीट, IIT और IIM वगैरह में कुछ यहाँ पे इशू चल रहा था, बट उन इशू को भी कुछ ही सालों पहले दोस्तों ये सॉल्व किया गया, और एनुएस बोर्ड को भी अब सब जगह वैलिड किया गया। एनुएस के बच्चे सब जगह एलिजिबल है, वो जहाँ मर्जी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन अब नहीं है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है या दो राय नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो आपको मैं लिस्ट में नाम दिखा रहा हूँ वहाँ पर ले सकते हो। बाकी जो एडमिशन नहीं देते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, ना कि एनुएस बोर्ड क्या इलीगल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एडमिशन नहीं देते हैं दोस्त उनसे आर्ग्यू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर एक उनकी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि एनुएस बोर्ड ओपन की बोर्ड है, बस वो एडमिशन नहीं देते। आपको एनुएस बोर्ड के अंदर आके ये प्रूव करना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि नहीं एनुएस बोर्ड के बच्चे वो कर सकते हैं जो वो सोच सकते हैं। तो यही वो बात है जो एनुएस बोर्ड के बच्चों को आगे निकालती है, क्योंकि इतने ही मेहनती बच्चे जितने बोर्ड में आपको बताऊँ यार, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं और एनुएस बोर्ड के अंदर पढ़ाकू बच्चे नहीं होते। बहुत बच्चों की अलग अलग कंडीशन होती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है दोस्त, कोई ड्रॉप आउट है, कोई अपने आगे की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों ओपन से पढ़ाई करता है, तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते, और ये बात दोस्त हम सबको समझना होगा। सोसाइटी सभी को बराबर माने, एक नहीं दोस्त एनुएस बोर्ड को इग्नोर करें। दोस्त हमारी इस मुहिम के द्वारा ये बस एक ही हमारी दोस्तों मुहिम रहेगी यार, मैं बस यही चाहता हूँ। इस समय एनुएस बोर्ड को सब जगह वैलिडिटी मिली हुई है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा बंदा कहता है कि हम एनुएस बोर्ड के मार्कशीट को अब हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, प्लीज़ उसकी कंप्लेन आप एनुएस सेक्टर 62 में कीजिए कि यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। दोस्त इसके लीगली एक्शन लिया जाएगा कि ऐसा क्यों, जब एनुएस बोर्ड भी लीगल बोर्ड है तो ऐसा एनुएस बोर्ड के बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्त इस लिस्ट में आप देख सकते हो जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, बाकी एनुएस बोर्ड की भी मान्यता उतनी है जितनी तमाम बोर्ड्स की है। बाकी ओपन के बच्चों को, चाहे वो किसी बोर्ड का हो या किसी भी कॉलेज के अंदर हो, बट वो ओपन का हो, चाइनीज में हो या सोल में हो या इग्नू में हो, तो उसके ऊपर एक ओपन का टैग सा लग जाता है, जिसके वजह से लोगों की मेंटेलिटी बन जाती है कि तो ओपन की है, ओपन का बच्चा है और बेस्ट ऑफ टाइम है भाई, ये तो कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है भाई, किसी ध्यान रखना, क्योंकि जिसकी मेंटेलिटी ही दोस्तों ख़राब हो गई है उसका क्या कर सकते हैं? क्योंकि भाई डॉक्टर भी सिर्फ नज़र चेंज कर सकता है, नज़रिया चेंज नहीं कर सकता, वो ये नज़रिया चेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोगों को हम ये प्रूव करके दिखाएं एनुएस बोर्ड के बच्चे कि हम में वो दम है जो हम दिखा सकते हैं,
हम वो कर सकते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्त इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा अपने शब्दों के साथ। बाकी दोस्त इस वीडियो के अंदर जो जो आपको मैंने बता दिया है इस लिस्ट के अंदर दोस्त आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी एनएस बोर्ड के दोस्त बच्चों के लिए मैं जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ तक करता हूँ। अपनी दोस्तों पूरी फैकल्टी के साथ पूरा सिस्टम बिठा रखा है दोस्त। अक्टूबर वाले बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2022 अप्रैल में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्त उनके लिए हमने एक ऑनलाइन क्लास लॉन्च कर दिया है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सब्जेक्ट वाइज वो हम आपको पहले ही सॉल्व करवाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, नोट्स देंगे, गोल्डन सीरीज प्रैक्टिकल टीम सब कुछ फ्री है भाई। जो इस क्लास के अंदर बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं गारंटेड पास होने की दोस्तों गारंटी है, चाहे आप ऑन डिमांड के अंदर हो, चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, चाहे एक सब्जेक्ट आपके पास हो या दो हो या तीन हो या चार हो या पाँच हो, सभी सब्जेक्ट दोस्त इसी फीस में कवर किया जाएगा। और ये फीस वन टाइम है, आपको इसके अलावा कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म ना हो जाए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो दोस्त अगर आप चेक करोगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सबसे पहला लिंक होगा, उस पहले लिंक पे क्लिक करो। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे दोस्त आपके पास ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा। इस पोर्टल पर दोस्त जैसे ये खुलकर आएगा आप बाय नाउ पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को जो भी आपके बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हो गया, क्लिक करके दोस्तों अमाउंट पे कर दीजिए। आप आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा, उस रिसिप्ट के अंदर एक डिटेल्स होगा, उस पर क्लिक करोगे दोस्त आप हमारे प्राइवेट ग्रुप जो टेलीग्राम का ग्रुप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। उस ग्रुप में दोस्तों मैं हूँगा जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, इस तरह के दोस्त आपको पास करवाने की गारंटी। क्यों? क्योंकि मेहनत करवाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा दोस्त कि सफलता की राह कैसे चलते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आखिर दोस्त अगर बच्चा मेहनत करता है तो पास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि दोस्त उसका डायरेक्शन जाना उसको यूँ होता है, वो जा यूँ रहा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले होते हैं दोस्त एक्सपीरियंस लेकर आप सबको बताता हूँ। दो सांस से नहीं भाई, 9-10 सालों से बच्चों की हेल्प करता आ रहा हूँ। प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें, उन्हें इस बोर्ड की सब जगह वैल्यू है, ये आप सबको दिखाना है। दोस्त लिस्ट मैंने आपको बताया, सब जगह शेयर करना इस वीडियो को ताकि सबको पता चल पाए इस समय कि नहीं यार एनएस बोर्ड भी है, सब जगह इसकी वैल्यू है, वैल्यू इतना ही है जितने तमाम बोर्ड्स हैं। चलिए दोस्त एनएस बोर्ड के अंदर आप हो या आना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, सब जगह इस वीडियो शेयर करना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।